नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है उस ग्रह के बारे में जिस ग्रह के बारे में हम सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, यानी कि राहु ग्रह, जिनके नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, इधर उधर ज्योतिषियों के पीछे, पंडितों के पीछे भागते हैं और उसका समाधान ढूंढते हैं। इस विषय पर हम काफी एपिसोड लेकर आए हैं, काफी अच्छे अच्छे उपाय लेकर आए हैं। जिन्होंने उन उपायों को आजमाया है उनका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त भी किया है, राहु ग्रह को शांत भी किया है और उनसे अच्छा फल भी प्राप्त किया है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेके आए हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध है, जो हमारे विद्वान ज्योतिषी अक्सर लोगों को बताते हैं जब राहु ग्रह का प्रकोप उनके ऊपर पे होता है। तो ज्यादा इस विषय पे चर्चा ना करते हुए राहु ग्रह के बारे में, क्योंकि हम काफी चर्चा कर चुके हैं उनकी प्रवृत्ति के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में, तो हम आपको सीधे उपाय बताएंगे। तीन ऐसे उपाय जिन्हें व्यक्ति यदि नियमित तौर पर करता है, समय रहते हुए करता है, तो कभी उसे राहु ग्रह की कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है। हमेशा उसके ऊपर पे राहु ग्रह की किसी न किसी प्रकार की कृपा बनी रहती है और हमेशा उसे बड़ी मुसीबतों से वह बचाते हैं। पहला उपाय बताया गया है कि जब भी व्यक्ति सुबह उठे, बिस्तर से उठे, तो उसे अपना बिस्तर तुरंत ही फोल्ड कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, उसे सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि उसे सही तरीके से व्यवहारिक तौर पर सही कर देना चाहिए। इसके पीछे का कारण लोग यह बताते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उससे राहु हमेशा कुपित रहते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि राहु ग्रह के पास पूरा शरीर नहीं है। यदि राहु ग्रह सोए हुए होते तो वह उनके पास, क्योंकि सरीसर है, हाथ आदि नहीं है, तो वह अपना बिस्तर सही करते। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उस पर वह कुदृष्टि अवश्य ही रखते हैं। वह चाहते हैं कि अगर मेरे पास हाथ होते मैं सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करता, सिस्टमैटिक तरीके से उसे व्यवहारिक तौर पे बनाता। तो ऐसा अवश्य ही करिए, जब भी सुबह उठे अपना बिस्तर फोल्ड कर लीजिए, उसे साफ सुथरा सिस्टमैटिक उसे बना लीजिए। दूसरा बताया गया है कि कभी भी यदि कोई कोढ़ी व्यक्ति यदि दिखता है, क्योंकि राहु की ओर कोई देखना पसंद नहीं करता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि राहु ग्रह की हमें ऊपर कोई कुदृष्टि ना पड़े, राहु ग्रह हमारे ऊपर पे ना आए। हर कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है क्योंकि डरते हैं लोग, उनसे भयभीत होते हैं, तो इसलिए कोढ़ी व्यक्ति की ओर लोग देखना नहीं चाहते हैं। तो ये बताते हैं हमारे विद्वान ज्योतिषी कि जब भी कोई कोढ़ी व्यक्ति दिखे आपको, उसको कुछ ना कुछ दें, उसको अनदेखा ना करें या उससे घृणा ना करें। दूसरा उपाय यह बताया गया है। तीसरा बताया गया है कि जिस व्यक्ति का कोई अंग नहीं होता है, क्योंकि राहु ग्रह का भी ऊपरी ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा नहीं है, तो जिस व्यक्ति का कोई अंग नहीं है, जैसे किसी का कोई हाथ नहीं है या दोनों हाथ नहीं है या कोई एक पांव नहीं है, वैसा किसी व्यक्ति चलता है, ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ दें, उससे घृणा ना करें, उसकी कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार की सेवा अवश्य करें, उसे एक प्रकार से अपना मित्र समझें। अगर यह व्यक्ति करता है तो उसे राहु ग्रह कभी पीड़ित नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी भयंकर महादशा आ जाए, वह भयंकर कुपित हो जाए, त्रिकट राहु हो जाए, तो भी उस व्यक्ति को वह कष्ट नहीं देंगे, किसी न किसी प्रकार का शुभ फल ऐसे व्यक्ति को वह अवश्य ही देंगे। भले अन्य ग्रह से पीड़ित कर रहे हों तो उन ग्रहों को भी वह शांत करते हुए अपना फल उसको अवश्य ही देते हैं, ऐसा हमारे विद्वान ज्योतिषी बताते हैं। यानी कि तीन चीज बताते हैं, सुबह उठते ही अपना बिस्तर को सिस्टमैटिक तरीके से सही कर लीजिए, साफ स्वच्छ रखिए, दूसरा कभी कोढ़ी व्यक्ति को कुछ न कुछ दीजिए, उससे घृणा ना करें, उसकी ओर अनदेखी ना करें, तीसरा कोई अपंग व्यक्ति जिसका कोई अंग ना हो, कोई हाथ ना हो, पाँव ना हो, ऐसे व्यक्ति से भी घृणा ना करें, उससे हो सके तो मित्रता करें, उसको कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से प्रसन्न अवश्य रखिए। ये तीन ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को व्यक्ति करता है, अत्यंत सरल है, कोई पैसा नहीं लगता है, 2 रुपया 10-20 रुपया लग भी गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर किसी को देने में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा कर लेते हैं तो राहु ग्रह के अन्य उपायों की अपेक्षा ये उपाय आपको चमत्कारिक प्रतिफल देंगे, आपके बड़े से बड़े कष्ट को ये काट देंगे, ऐसा हमारे विद्वान ज्योतिषी अक्सर लोगों को बताते हैं। यदि आप किसी अच्छे ज्योतिषी, बुजुर्ग ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी के पास जाएंगे राहु ग्रह के उपाय के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको यही उपाय बताएंगे। बाकी तो मंत्र जाप आदि जाप तो बताते ही बताते हैं, लेकिन सरल उपायों में ये तीन उपाय अत्यंत सरल है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि जो लोग राहु ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं या उनका सुफल उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है या भयग्रस्त है, भयभीत हैं कि राहु आने वाले हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर लीजिए। इनमें से पहला हो सकता है तो वो, दूसरा हो सकता है तो वो, तीसरा हो सकता है वो। अगर तीनों आपके साथ जीवन में आ रहे हैं, समय के साथ चल रहे हैं, तो अवश्य ही करिए। खुद देखेंगे आप, हम तो बहुत कुछ बोल जाएंगे, लेकिन जब आप करेंगे तो स्वयं आप प्रतिफल इसका देखेंगे। तो जानकारी काफी अच्छी है और अमल करिए, काफी अच्छा प्रतिफल भी इसका आपको प्राप्त होएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे एपिसोडों को देखते हैं और उनको आजमाते हैं, उसका प्रतिफल भी आप देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखते भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस पे जरूर अमल करेंगे। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की, किसी की भी हो, हमारी हो, अन्य लोगों की हो, ज्योतिषियों की हो, आदमी बस अमल करे तो प्रतिफल अवश्य ही देखता है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।